हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी केक की रेसिपी। तो दोस्तों, इस केक को हम बिना अंडा और बिना ओवन के बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी यानी केक बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के ऊपर रख दिया मैंने छलनी। इसमें डाल दिया मैंने 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसको मैं अच्छे से छान लूंगा। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा विस्कर की सहायता से। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम कॉफ़ी केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप कॉफ़ी बनाकर तैयार किया है, ब्लैक कॉफ़ी। तो इसमें मैंने लगभग 1/2 कप चीनी डाली थी और 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1.5 कप पानी के साथ मैंने कॉफ़ी को बनाकर तैयार कर लिया था। तो इसमें मैं कॉफ़ी डाल दूँगा। तो ये हॉट कॉफ़ी है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा कॉफ़ी को डालकर और इसका अच्छे से बैटर बना के तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों, कॉफ़ी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है यानी कॉफ़ी और ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों, आप ध्यान रहे, जो चीनी जो है मैंने कॉफ़ी के अंदर डाली थी, मैंने इसमें अलग से चीनी नहीं डाली है बैटर के अंदर। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 टीस्पून विनेगर। तो विनेगर डालने के बाद इसको हमें ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना है यानी चलाना नहीं है, हल्का हल्के हाथों से हमें इसे हिलाना है। तो बैटर हमारा एकदम रेडी हो चुका है केक के लिए। तो इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है इस तरह का। तो अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का राउंड शेप का केक टिन लिया है। तो इसको मैं रिफाइंड ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लूँगा और अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। और इस मैदे से हम इस केक टिन को अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह मैदा छिड़क के इसको कोट कर सकते हैं। और इसको हम पलट देंगे अब और इसको टैप कर देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए। तो केक टिन जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब जो हमने बैटर बनाया था इसको हम एक दो बार हल्का सा चला लेंगे इस तरह। और इस बैटर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा केक टिन के अंदर। तो दोस्तों, केक टिन जो है हमारा एकदम आधा भरा हुआ है, ज़्यादा नहीं भरना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम बिना ओवन के केक बना रहे हैं। तो बिना ओवन के केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है और उसकी जो सीटी है उसको भी हटा दिया है। तो अब इसके अंदर रख दूंगा मैं एक जाली स्टैंड, आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं उल्टी करके। और इसके अंदर रख दूंगा मैं हमारा केक टिन। केक टिन रखने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगा और इसको मैं बेक करूंगा 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, या फिर ओवन में आप 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक होता है, हम यहाँ पे व्हीपिंग क्रीम को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 कप व्हीपिंग क्रीम। इसमें डाल दूंगा मैं 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी। और इसमें हम कॉफ़ी फ्लेवर डालेंगे। तो कॉफ़ी फ्लेवर बनाने के लिए 1 टीस्पून कॉफ़ी लिया है। तो और इसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून पानी। उन दोनों को मैं अच्छे से कर लूँगा मिक्स। कॉफ़ी का हमारा मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। अब इस कॉफ़ी के मिक्सर को मैं व्हिप क्रीम में डालकर तैयार कर दूंगा। तो हमारी कॉफ़ी वाली व्हिप क्रीम है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार हल्का सा चला लूँगा और बीटर की सहायता से इसको अच्छे से बीट कर लूँगा जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से क्रीमी ना हो जाए। दोस्तों, इसको मैंने बीच में इसके अंदर डाल दिया 1 टेबलस्पून कोको पाउडर इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए। और इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने लगातार 3-4 मिनट तक बीट किया और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी हो चुकी है, केक पर लगाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है।
तुम्हारी कॉफ़ी की जो व्हिप क्रीम है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इस स्पैचुला की सहायता से इस व्हिप क्रीम को मैं इकट्ठा कर लूँगा बीच में, यानी जो किनारों पर लगी हुई है उसको मैं बीच में ले आऊँगा। तो आप देख सकते हैं व्हिप क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको मैं पाइपिंग बैग में भर लूँगा। दोस्तों पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भर के जब हम केक को डेकोरेट करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से उस पर व्हिप क्रीम लगने में आती है, तो चारों तरफ व्हिप क्रीम केक के ऊपर लग जाती है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम को भर लूँगा और इसका जो आगे का मुंह है इसको मैं हल्का सा काट दूँगा और इसको मैं हल्का सा प्रेस कर दूँगा ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। तो अब हम बना लेंगे शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ठंडा पानी लिया है और इसमें डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा शुगर सिरप है वो रेडी हो चुका है। आप इसमें वनीला एसेंस या फिर कॉफ़ी भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा केक का स्पंज बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैंने कम्प्लीटली 2-3 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है टिन से निकाल कर। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक का स्पंज बनके तैयार हुआ था। तो अब इसको डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर की जो हल्की सी लेयर है फूली हुई इसको मैं हटा दूंगा। तो आप इसको खा भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, ये कॉफ़ी फ्लेवर का है। तो अब इस केक स्पंज को मैं डिवाइड कर लूँगा 3 लेयर्स में। आप देख सकते हैं ये हमारी पहली लेयर और इसको मैं दो लेयर में डिवाइड कर लूँगा। ये हमारी दूसरी और नीचे वाली हमारी तीसरी लेयर, आप देख सकते हैं इसी तरह। तो अब केक बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर रखेंगे हम केक की लेयर। तो यहाँ पर मैंने सबसे मिडल वाली लेयर रखी है यानी बीच वाली और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप। तो लगभग 3-4 चम्मच इस पर शुगर सिरप डालेंगे और अब इस पर मैं लगा दूंगा व्हिप क्रीम। तो आप देख सकते हैं इस तरह व्हिप क्रीम लगाने से केक बहुत ही आसानी से डेकोरेट हो जाता है। तो चारों तरफ इस व्हिप क्रीम को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। और इसके किनारों पर अगर एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम लग जाए तो इसको हमें हटा देंगे इस तरह, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर रख दूंगा मैं केक की दूसरी लेयर, ये वो सबसे ऊपर वाली लेयर है। तो इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है और अब इसके ऊपर डाल दूंगा मैं 2-3 टीस्पून शुगर सिरप और इस पर भी लगा दूंगा व्हिप क्रीम। तो इस पर भी मैंने अच्छे से व्हिप क्रीम लगा दी है, अब इसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगा। तो अब यहाँ पे रख दूंगा मैं सबसे लास्ट वाली लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर है, इसको भी मैंने उल्टा करके रख दिया है और इस पर भी हम डालेंगे शुगर सिरप। और शुगर सिरप डालने के बाद इस पर भी हम व्हिप क्रीम लगा देंगे। तो इस बार हम व्हिप क्रीम को चारों तरफ से कवर कर देंगे, यानी व्हिप क्रीम से हम इस केक को चारों तरफ से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह किनारों पर भी हमें व्हिप क्रीम को लगा देना है। तो अब चारों तरफ मैंने व्हिप क्रीम लगा दी है। अब इस स्पैचुला की सहायता से इस तरह मैं इसको इस स्मूथ कर लूँगा चारों तरफ से। और किनारों पर अगर एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम चली जाए तो इसको मैं हटा दूंगा। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया है डेकोरेट, यानी व्हिप क्रीम से इसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जिग जैग स्क्रैपर लिया है यहाँ पे किनारों पर डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना दिए। अब आइसिंग स्पैचुला से मैं इसके बीच में डिज़ाइन बना दूंगा। तो आप अपने मन के अनुसार कोई सी भी केक पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो केक पे मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब इस केक को मैं उठाकर किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा या फिर आप चाहे तो इसे केक बोर्ड पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में डार्क चॉकलेट को थोड़ी सी दूध के साथ मेल्ट कर लिया था और इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर के इसको मैंने थोड़ा सा काट दिया है और इस तरह मैं इसको डेकोरेट कर दूंगा किनारों से। थोड़ी थोड़ी चॉकलेट मैं इसके किनारों पर और डाल दूंगा ताकि और भी सुंदर लगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है चॉकलेट से। अब यहाँ पे एक पाइपिंग बैग मैंने स्टार नोजल के साथ व्हिप क्रीम को भर लिया है और इस तरह इस पर डिज़ाइन बना देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो फ्लावर की भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने इस तरह की बनाई है। तो अब इसके नीचे किनारों पर भी मैं इस तरह की डिज़ाइन बना दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा केक लगभग रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे ऊपर से मैं इस पर थोड़ी सी डालूंगा ब्राउन शुगर। तो बस थोड़े से 2-4 दाने हमें इस तरह इस पर छिड़कते जाना है चारों तरफ, तो इससे हमारा केक जो है और भी सुंदर लगेगा।
और थोड़े से शुगर यानी ब्राउन शुगर है मैं इसके बीच में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा केक है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों काटने पर तो आपको पता ही चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम बेकरी स्टाइल हमारा केक बना है। तो दोस्तों हमारा कॉफ़ी केक है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं सर्व कर देता हूँ प्लेट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी एकदम सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी हमारा जो केक है वो बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।